भारत चीन सीमा पर सोमवार की रात हुई झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का एक जवान भी शामिल है। कुरुटोला ग्राम पंचायत के ग्राम गिधाली में रहने वाले जवान गणेश कुंजाम चीन सीमा विवाद को लेकर हुई झड़प में शहीद हो गए। लद्दाख के 17,000 फीट ऊंची गलवान घाटी पर सोमवार की रात भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें सेना के एक अफसर समेत 3 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हुई थी। लेकिन देर रात 17 और जवानों के शहीद होने की खबर आई, जिसमें कांकेर जिले का जवान गणेश भी शामिल था। गणेश कुंजाम ने 2011 में सेना ज्वाइन की थी। एक माह पहले ही उनको चीन बॉर्डर में तैनात किया गया था। गणेश के चाचा ने बताया कि मंगलवार शाम भारतीय सेना की तरफ से फोन आया और गणेश के शहीद होने की जानकारी दी गई। गणेश 3 भाई बहनों में इकलौता भाई था। गणेश की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बोल रहा था कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना, आप शहीद हो गया। हाँ, शहीद हो गया करके ना। और उनने बोल उनको मैं बोला कि कहाँ पे है ऐसे करके ना, तो चीन बॉर्डर आप टीवी चैनल देखिए, जहाँ पे जो युद्ध चल रहा है, तो मैं तुरंत जाके टीवी को ओपन करके देखा तो 3 आदमी का नाम बता रहे थे, बाकी आदमी का नहीं था। आपको पूछा गया कि आप कौन हो करके? हाँ, मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ करके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।